हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोबिक में। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बैंक की जॉब के बारे में। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट आया है, मैं उसका डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट आया है उसका डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग इस पेज में आ सकते। इसके अलावा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या रिसेंटली पोस्ट हुआ है। तो दोस्तों, रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट आया है, रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एचआर के फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पोस्ट निकला हुआ है। वैकेंसी जिसका है 100 एंड लास्ट डेट इसका दिया हुआ है 29 मार्च 2019। इसके साथ साथ दोस्तों, और क्या क्या पोस्ट यहाँ पे निकला मैं उसको भी यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि सेकेंड नंबर पे जो रिक्रूटमेंट आया है, रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर गवर्नमेंट रिलेशनशिप सेगमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जिसके वैकेंसी 2, इसका भी लास्ट डेट है दिया हुआ है 29 मार्च 2019। थर्ड पोजीशन में जो वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर फिनटेक एंड न्यू इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जिसका वैकेंसी है 4 एंड लास्ट डेट भी इसका सेम दिया हुआ है 29 मार्च 2019। तो दोस्तों, ये था एचआर के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, इसके अंदर जो डिटेल्स दिया हुआ है किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते, मैं इसको डिटेल्स में आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। एप्लीकेशन के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो ऑफिशियली एडवर्टाइज दिया हुआ है इस बैंक की तरफ से, मैं उसको डाउनलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं उसको देख के आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आपको यहाँ पर मेनटेन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एडवर्टाइज दिया हुआ है ऑफिशियली एचआर की पोस्ट के, यहाँ पर वो डाउनलोड कर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और टेरिटोरी हेड की वैकेंसी निकला हुआ है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के वैकेंसी 96 एंड टेरिटोरी हेड के लिए 4 वैकेंसी निकला है, जिसके एज दिया हुआ है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो एज है 40 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते। इसके साथ साथ ग्रेजुएट फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन preference will be given to candidate having MBA or equivalent degree from reputed college, minimum 3 years के experience चाहिए। इसके साथ साथ territory जो head post निकला हुआ है उसके vacancy 4 and minimum age limit यहाँ पर दिया है 35 and maximum जो age limit दिया है 45। इसका भी graduation complete होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर application कर सकते। minimum 8 years के experience होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि और क्या क्या details यहाँ पर दिया हुआ है जिसके आपको फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन करने के वक्त आप लोगों को जो लोग जिन्होंने ओबीसी हैं उन लोगों के लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, एंड जो लोग एस सी एस टी है एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो लोग हैं, यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो, लेटेस्ट जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है उसका डिटेल। इस तरह से जो दो और जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है एचआर के डिपार्टमेंट के तरफ से, आप लोग इसी तरह से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।